वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग अपना फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिहार स्पेशल में क्रॉन से, क्रॉन बिहार स्पेशल 2021 से। हम लोग आज इसमें हम लोग नया टॉपिक लेंगे, बिहार का काल कर्मानुसार जो विवरण है 1 लाख BC से 1942 तक, हम लोग इसमें देखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपका पार्ट 16 है। कितना है? पार्ट 16 हम लोगों के सीरीज के अकॉर्डिंग पार्ट 16 है आपका, ठीक है। और 15 पार्ट आपका अपलोड किया जा चुका है प्ले लिस्ट में और ये भी अब कुछ ही देर में आपका अपलोड हो जाएगा प्ले लिस्ट में। आप चैनल पर या फिर प्ले लिस्ट पर जाके इसे आप देख सकते हैं। सीरियल से दिया हुआ है, 1 से लेकर 16 तक आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का जो है, इसे आप लास्ट तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ पाएगा। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में, खास करके 67th के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। चलिए इसके बाद हम लोग आज मंथन का भी देखेंगे, परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 का जो हमारा सीरीज है उसे भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, और हाँ, जो भी नए छात्र छात्राएं हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, ऑल पे क्लिक कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक करने में तो कंजूसी करते ही हैं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें, हो सके तो वीडियो को लाइक भी करें, इससे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो को बनाने में। आप लोग देखते हैं हजारों में, लेकिन लाइक होता है 3, 4, 5, 6, लेकिन लाइक करें, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है। चलिए पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, यानी इसे हम लोग बोलते हैं अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। क्या है? अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है। पहला है 1 लाख ईसा पूर्व को देखेंगे हम लोग। 1 लाख ईसा पूर्व में क्या हुआ? तो बिहार में मानव निवास के चिन्ह प्राप्त हुए। 1 लाख ईसा पूर्व में क्या हुआ? पहला पॉइंट है आपका, बिहार में मानव निवास के चिन्ह प्राप्त हुए। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए। पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर नव पाषाणकालीन संस्कृति तक से है। बिखरे परमाणु से निष्कर्ष निकलता है कि बिहार लगभग 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक मानव समूहों का निवास स्थल बना रहा था, ठीक है। दूसरा है आपका, 1 लाख से 40 हजार ईसा पूर्व, इसमें क्या था? मध्यवर्ती प्रस्तर युग, यानी 1 लाख से 40 हजार ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए थे? मुंगेर से। 40 हजार से 10 हजार ईसा पूर्व के जो साक्ष्य थे वो मुंगेर से प्रवर्तित प्राचीन प्रस्तर युग 40 हजार से 10 हजार ईसा पूर्व के अवशेष मिले, जो पत्थर से बने थे, ठीक है। 9 हजार से 4 हजार ईसा पूर्व मुंगेर से मध्य प्रस्तर युग 9 हजार से 4 हजार ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो भी पत्थर के औजार हैं। 2500 से 1500 ईसा पूर्व नव प्रस्तर युग कहा जाता था, 2500 से 1500 ईसा पूर्व को के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए। ताम्र युग, ताम्र पाषाण युग में क्या? इस युग के मानव छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग भी शुरू कर दिए थे। नव पाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। नव पाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था, साथ ही कृषि कार्य भी सीख लिया था, ठीक है। नव पाषाण काल में रखेंगे, इस युग के मानव चाक का आविष्कार भी कर लिया था। यहाँ 3 चीज एक हो गया, पहिया का आविष्कार भी हो गया नव पाषाण काल में, कृषि का भी कार्य इन्होंने सीख लिया, और तीसरा क्या हुआ, चाक का आविष्कार भी कर लिया था। विकसित नवपाषाण काल, चेचर के श्वेतपुर, चिरांद, ताराडीह, मनेर तथा सेनपुर से प्राप्त हुए हैं। आदि प्रागैतिहासिक काल, यानी कि ईसा पूर्व 1500 तक, इस युग के मानव लेखन कला को जान गए थे।
इस युग के उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। लेखन कला तो जान गए थे, लेकिन उस काल में जो उपलब्ध लेख हैं उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, पढ़े नहीं जा सकते थे। अब आते हैं प्राचीन काल यानी कि ऐतिहासिक काल, लिखित स्रोत का काल, ये लिखित साक्ष्य में उपलब्ध था। 500 ईसा पूर्व, ठीक है। बिहार के क्षेत्र में जैन दर्शन का प्रभाव आम लोगों के बीच जैन धर्म जनप्रिय धर्म बना 500 ईसा पूर्व में। बिहार में तीन महाजनपदों जैसे कि अंग, मगध और लिच्छवी का उदय हुआ। 500 ईसा पूर्व में अंग, मगध तथा लिच्छवी का उदय हुआ। साथ ही जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म अंग महाजनपद के चंपा में हुआ। अब बात करेंगे हम लोग 540 ईसा पूर्व, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म 540, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। 540 ईसा पूर्व में जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में जैन यात्रिक या यात्रिक परिवार में हुआ। 498 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का ऋषिम्भक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर बड़े वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई। 468 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का निर्वाण पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ, निर्वाण यानी कि मृत्यु। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन दर्शन को लिखित रूप पाटलिपुत्र में प्रदान किया गया। अंग महाजनपद के राजा दधिवाहन की पुत्री राजकुमारी चंदना जैन दर्शन से प्रभावित होकर जैन साध्वी बनी। अंग के राजा ब्रह्मादत्त ने मगध के राजा भत्ती को पराजित किया तथा मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने पिता भत्तिका का बदला लेने के लिए अंग राजा पर आक्रमण किया। बिंबिसार ने नागसेन की सहायता से अंग के राजा ब्रह्मादत्त की हत्या कर दी तथा बिंबिसार का अंगराज पर विजय हुआ। अंगराज की राजधानी चंपा पर पूर्ण अधिकार पा लिया तथा बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु अंगराजा का उपासक नियुक्त हुआ। अजातशत्रु से परेशान होकर उसके भाइयों ने हाल और बेहाल अपने नाना चेटक के संरक्षण उसके राज वैशाली में रहने लगे। अजातशत्रु द्वारा भाइयों को पाने के लिए वैशाली नरेश चेटक पर दबाव डाला गया। चेटक ने मल, काशी और कौशल महाजनपद के साथ मिलकर अजातशत्रु के विरुद्ध मोर्चा बनाया। युद्ध में अजातशत्रु ने चेटक की हत्या कर दी। अजातशत्रु के दोनों सौतेले भाई हल और बेहल वैशाली जनपद से भागकर जैन आश्रम में शरण ले ली। बाद में वे दोनों जैन सन्यासी बन गए। 563 ईसा पूर्व गौतम तथा सिद्धार्थ बुद्ध का नाम है। शाक्य कुल में कपिल वस्तु के लिम्बिनी अब नेपाल में हुआ। 544 ईसा पूर्व की बात करें तो मगध नरेश बिंबिसार का सिंहासनारोहण हुआ। 543 ईसा पूर्व में गौतम अथवा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में परम सत्य की खोज के लिए गृहस्थ आश्रम का त्याग किया। 534 ईसा पूर्व, इसे हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्कर्मण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब 534 से लेके 529 ईसा पूर्व गौतम अथवा सिद्धार्थ परम सत्य की खोज में 6 वर्षों तक बिहार में भ्रमण करते रहे। वैशाली के जैन आश्रम में आलार कलाम से, राजगृह में उद्धक अथवा रामपुत्र से चक्र भेदन अथवा अन्य ज्ञान की प्राप्ति की। संतोष न होने पर गया के निरंजना जिसे की फल्गु नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे परम सत्य की खोज ध्यान मग्न हो गए। 528 ईसा पूर्व में गौतम अथवा सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में गया के निरंजना नदी के तट पर, उसे ही बोलते फल्गु पर, पीपल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान का मतलब बोधि के पश्चात गौतम अथवा सिद्धार्थ बुद्ध ने प्रबुद्ध व्यक्ति तथा तथागत जिसने सत्य पा लिया कहलाए, तथागत कहलाए। 544 से 492 ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का शासन बिंबिसार का शासनकाल कहलाया।
यह बुद्ध के समकालीन तथा बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंचा। 492 ईसा पूर्व में मगध नरेश बिंबिसार की मृत्यु, पुत्र अजातशत्रु का सिंहासन आरोहण होता है। 492 से 460 ईसा पूर्व में बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु का शासनकाल होता है। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने मगध सम्राट का विस्तार रूप दिया। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया था। 483 ईस्वी का बात करें, इस पूर्व की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें सप्तकर्णी गुफा राजगिरी में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात विनय पिटक की रचना हुई। 459 ईसा पूर्व की बात करें तो अजातशत्रु का निधन हुआ। 459 से 444 ईसा पूर्व अजातशत्रु का पूर्व उदयभद्र तथा उदयीन का शासनकाल। तो समझ लें कि अजातशत्रु का पुत्र कौन है, उदय या उदयीन का शासनकाल हुआ। मगध राज की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया गया। 455 ईसा पूर्व की बात करें तो पाटलिपुत्र का उत्कर्षण आरम्भ हुआ। 413 ईसा पूर्व की बात करें तो शिशुनाग का शासन प्रारंभ हुआ। 483 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय संगति के पश्चात बौद्ध धर्म अस्त्रवीर एवं महासंघिक वर्ग में विभाजित हो गया। 344 ईसा पूर्व की बात करें तो महापद्मनंद का शासनकाल मगध में मगध साम्राज्य का विस्तार किया। एकारट का भी उपाधि मिली। 320 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासन। 320 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। सिकंदर की वापसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य वंश का साम्राज्य सत्ता स्थापित हो गई धनानंद के बाद। नेक्स्ट 315 ईसा पूर्व की बात करें, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने अपने अनुभव को इंडिका के रूप में प्रस्तुत किया। तो समझ जाइए, इंडिका को किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस का दूत था। और कहाँ आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 298 से 27 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार का शासनकाल यूनानी दूत डीमॉलकस के उसके दरबार में रहा। 273 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक प्रियदर्शी का शासनकाल हुआ। 262 से 61 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग विजय के पश्चात धम्म विजय की नीति अपनाते हुए बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। 251 ईसा पूर्व की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। 252 ईसा पूर्व की बात करें तो इस संगति के पश्चात अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अशोक ने संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए। 187 ईसा पूर्व की बात करें तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्पमित्र सुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। अंतिम मौर्य शासक कौन है, बृहद्रथ थे। कब, तो 187 ईसा पूर्व में। 75 ईसा पूर्व की बात करें तो सुंग वंश का अंत हो गया 75 ईसा पूर्व में। 1 ईसा पूर्व की बात करें तो कालिंग शासक खरवेल द्वारा मगध पर आक्रमण किया गया। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बिहार में आक्रमण। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य अश्वघोष को कनिष्क के दरबार में प्रश्रय। 4 शताब्दी की बात करें तो गुप्त वंश का शासन आरंभ। 320 ईसा की बात करें तो चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने 320 में 335 से 380 ईसा पूर्व में 335 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त का शासन, यानी चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ, समुद्रगुप्त। 381 से 412 ईसा पूर्व में ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था। 414 से 455 ईस्वी में कुमारगुप्त का शासनकाल। 456 से 76 ईस्वी में स्कंदगुप्त का शासनकाल। 476 से 496 ईस्वी में बुद्धगुप्त का शासनकाल एवं 635 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री युआन आंग द्वारा बिहार का दौरा। इस समय पाटलिपुत्र ध्वस्त हो चुका था।
725 ईस्वी में गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कर दी थी। 8वीं शताब्दी के मध्य की बात करें तो गोपाल ने पालवंशी शासक व्यवस्था की स्थापना, यानी गोपाल ने ही कोई क्या था पालवंश का शासन का व्यवस्था किया था। 770 से 810 ईस्वी की बात करें तो पालवंशी धर्मपाल का शासनकाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा महाविहार के लिए 200 ग्राम प्रदान किए गए थे। आठ सौ दस से पचास ईस्वी की बात करें तो पालवंशी देवपाल का शासनकाल एवं बौद्ध धर्म के प्रसरदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ उद्दंतपुरी और जगदल विश्वविद्यालय को संगठित किया गया। 1197 से 98 की बात करें ईस्वी की तो पालवंशी रामपाल का शासनकाल हुआ। रामपाल के शासनकाल के दौरान नंददेव द्वारा तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। मुस्लिम शासन व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग। 1197 से 98 के बीच पालवंशीय इंद्रधुमन पाल के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर दिया कर सभी बौद्ध स्थलों बिहारों नालंदा विक्रमशिला उद्दंतपुरी जगदल विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया और बिहार में शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। कौन? बख्तियार खिलजी ने। कब? तो पालवंशीय इंद्रधुमन पाल के समय में। ईस्वी था 1197 से 98। 1250-25 ईस्वी की बात करें तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन दुवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने। 1279 से 1335 ईस्वी में हरि सिंह देव का शासनकाल हुआ। समाज सुधार के लिए अनेक कार्य संपन्न किए, मैथिल समाज को एक सशक्त रूप प्रदान किया हरि सिंह देव ने। 1324 ईस्वी की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक बिहार आया। 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया और 1398 से 99 में तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित जौनपुर राज्य का आंशिक अंग बन गया। 1495 से 96 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारण किया। 1526 की बात करें तो सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी ने बिहार में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण किया। 1529 की बात करें तो मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को विस्थापित कर मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था और 1337 ईस्वी में शेर शाह द्वारा बंगाल पर विजय एवं 1539 ईस्वी में मुगल बादशाह हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा में पराजित किया। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया। अब बात करेंगे हम 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना में दुर्ग बनवाया और बिहार शरीफ से राजधानी हस्तांतरित कर पटना में स्थापित किया। 1555 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की पूर्ण स्थापना एवं 1565 से 72 ईस्वी में सुलेमान खां का शासनकाल। 1574 ईस्वी में दाऊद खां करारानी के शासनकाल के दौरान मुगल बादशाह अकबर ने उससे नाराज होकर आक्रमण किया। दाऊद खां को पटना से पलायन करना पड़ा तथा दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगानी शासक था। 1580 ईस्वी की बात करें तो बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। 1587 से 94 ईस्वी में सूबेदार मान सिंह ने अफगान विद्रोहियों को दबाया और मुगल सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। रोहतास को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। 1621 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1623 से 24 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह के कारण बिहार का क्षेत्र प्रभावित रहा।
1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, पूछा गया है। 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में हुई। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। आगे देखते हैं हम लोग, तो 1651 ईस्वी में जो हम लोगों ने देखा, अंग्रेजों द्वारा पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया, और 1666 ईस्वी में 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। 1666 ईस्वी में 26 दिसंबर के दिन, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार अजीम के नाम पर पटना का नामकरण अजीमाबाद किया गया। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने राजकुमार अजीमुस्सान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1711 ईस्वी में फरसुखियर बंगाल से बिहार चला आया, एवं 1712 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, और 1713 ईस्वी में फरसुखियर ने पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया और आगरा के युद्ध में विजयी होकर सम्राट बना। उत्तराधिकारी की लड़ाई में अजीम मारा गया। 1712 से 1719 में ईस्वी में फरसुखियार के शासनकाल में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए नियुक्त हुए, लेकिन बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बिहार में प्रशासन चलाने के लिए उपनवाब नायक नजीम की नियुक्ति की जाने लगी। 1734 से 40 ईस्वी में अलीवर्दी खां अजीमाबाद में रहा। उसके शासनकाल में अफगानों के विद्रोह तथा मराठों द्वारा लूटमार होते रहे। सत्रह सौ चालीस ईस्वी में अलीवर्दी खां ने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार का उपनवाब बनाया। 1748 ईस्वी में अफगानों द्वारा उपनवाब हैबत जंग की हत्या हो जाती है। अलीवर्दी खान ने अफगानों को पराजित किया। 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने फतुहा के समीप हुए युद्ध में मराठों को पराजित किया। 1756 ईस्वी में बिहार का नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु। अलीवर्दी खान का नाती सिराजुद्दौला बिहार बंगाल का नवाब बना 1756 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मारा गया। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर नवाब बना। उसने मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया, परंतु राजकुमार अली गौहर यानी भावी शाह आलम द्वितीय ने मुगल सत्ता बिहार के क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता रहा। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना को घेरा डाला और कैप्टन नोक्स की सेना आ जाने से वह पलायन कर गया। बाद के क्रम में वह अंग्रेजों के सहयोग से दिल्ली की सत्ता में बैठा। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का निर्णायक युद्ध हुआ। 1764 में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई के में अंग्रेजों को विजय मिली। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि द्वारा बिहार बंगाल व उड़ीसा की दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। कौन? तो शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में बिहार बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी लगान वसूली करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। एक अलग संधि द्वारा अंग्रेजों ने उप सूबेदार का पद सृजित करवाया। उप सूबेदार नायब नाजिम के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण शुरू किया। कंपनी सरकार का शासन 1766 ईस्वी में कंपनी सरकार द्वारा प्रशासन मंडली की स्थापना की गई। 1770 ईस्वी में लगान परिषद का गठन जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई, एवं 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण हुआ 1774 में बिहार में। 1783 ईस्वी में बार बार के अकाल से निजात पाने के लिए अनाज के भंडारण हेतु पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया। 1783 ईस्वी में गोलघर का निर्माण। 1789 ईस्वी में कृषक विद्रोह। 1790 ईस्वी में अंग्रेजों के फौजदारी प्रशासन अपने नियंत्रण में लिया। बहावी आंदोलन जो हुआ आपका 1852 से 58 फिर 63 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में 3 जुलाई से पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू की गई थी। ये आपका लास्ट है। अब
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए वीडियो को। 1858 में 25 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1858 में, और 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे भारत कंपनी के हाथों से निकलकर इंग्लैंड की महारानी के अधीन आ जाता है। 1 नवंबर को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र पढ़ा, बिहार पर भी महारानी विक्टोरिया का शासन प्रारंभ हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय। 1906 ईस्वी में पृथक बिहार की मांग उठी, एवं 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर को बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। 1912 1 अप्रैल को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी हुआ उसी समय। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, मजरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन भी आरंभ हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई एवं मजरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आरंभ हुआ। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह भी किया गया और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। 1919 ईस्वी में किसान आंदोलन किए गए। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना की गई मजदूर के द्वारा ही। 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन हुआ। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार आंदोलन। 1923 ईस्वी में नमक सत्याग्रह एवं 1934 ईस्वी में गांधी जी द्वारा पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह कराने का आह्वान। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना एवं 15 जून को भीषण भूकंप 1934 में। 1935 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। 1937 ईस्वी में 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन। 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ। 1943 ईस्वी में अकाल व महामारी से 1,97,888 व्यक्तियों की मृत्यु सरकारी घोषणा थी। 1944 से 47 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार दौरा, मुस्लिम लीग द्वारा बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का स्थापना हुई एवं 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये हमारा आज का जो था 16th पार्ट था क्रॉन बिहार स्पेशल 2021 का। तो चलिए अभी हम लोग क्लास को समाप्त करते हुए अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 को देखा जाएगा, उसमें क्या क्या है, कौन सा टॉपिक किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका बिहार कालक्रम विवरण 1,20,000 से 1942 तक आपका हो गया। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। चलिए जो भी नए हैं छात्र छात्राएं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एवं लाइक जरूर करें, लाइक एवं शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इसकी फायदा मिल सके। चलिए अच्छे से पढ़ें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।